हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली मैं अपने भाई के घर रीच कर चुका हूँ। तो आज का टॉपिक है, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि आप अपने सैलरी के ऊपर वीडियो बनाओ, सैलरी के ऊपर वीडियो बनाओ। तो ये रहा सैलरी के ऊपर वीडियो। और उससे पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद साजिद, ठीक है? मेरा नाम है मोहम्मद साजिद और मैं ओडिशा स्टेट से बिलोंग करता हूँ। ओडिशा से मेरा डिस्ट्रिक्ट है रायगढ़, और उससे ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहता कि आप उतना जानो कि हाँ, मैं ओडिशा से हूँ और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बिलोंग करता हूँ। तो गाइस, तो आज का टॉपिक था सैलरी का। और किसी भाई ने बोला था कि भाई ये तो, मतलब मैंने इससे पहले जो कटअप के ऊपर वीडियो डाला था, उसमें किसी ने बोला था कि ये तो मॉडर्न पेपर है। 2018 में भी मॉडर्न पेपर ही हुआ था, हमने भी सीबीटी टेस्ट ही दिया था, ठीक है? सीबीटी टेस्ट ही दिया था। उसमें भी 3 शिफ्ट लगते थे पर डे, सुबह सुबह एक, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, 3 शिफ्ट होता था। मेरा मेरा इवनिंग शिफ्ट में था मेरा एग्ज़ाम, तो तब भी मॉडर्न पेपर था, अब भी मॉडर्न पेपर है। बस अभी का ये फ़र्क है कि हाँ, और एक पॉइंट है कि आपका अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी में ए बी सी जो भी है, तो आपको फ़ायदा है। सी है तो आपको 5 मार्क तक फ़ायदा है। तो जिसका है वो जानता है उसका फ़ायदा। तो फ़ायदा है या नहीं पूछ रहे थे, तो मैंने बता दिया कि हाँ, उसका फ़ायदा है, क्योंकि ये अभी इस बार दिया था। वरना एनसीसी का तो मेरे पास भी है सर्टिफिकेट, बट उस टाइम इसका कुछ मतलब था नहीं कि हाँ, इसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। बट इस साल इसने किया है फ़ायदा, और इसने ना सबसे घाटा भी कर दिया है कि उसने माइनस मार्किंग रख दिया है, माइनस मार्किंग रख दिया है, थोड़ा इधर बढ़ा दिया है कि हाँ, एनसीसी सर्टिफिकेट होने से आई थिंक, और कुछ स्पोर्ट्स का भी है शायद, पता नहीं। उसका नोटिफिकेशन आप देख लेना, अगर स्पोर्ट्स का है तो वहाँ पर दिखाया होगा, स्पोर्ट्स में कुछ मार्क मिल सकते हैं। तो गाइस, अभी शुरू करते हैं मेरे सैलरी स्लिप का वीडियो। तो मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ, सैलरी ट्रेनिंग के टाइम आपको सैलरी जितना भी मिलेगा ना, बहुत खर्चा हो जाता है, ठीक है? क्योंकि रीज़न बता देता हूँ क्यों खर्चे होते हैं। जब आपको सैलरी आएगी, आप तब धूमधड़ाका ऑर्डर करोगे ऑनलाइन से, अपने लिए बैग वैग सब, ये सब कर रहे थे मेरे रूम के भी जितने दोस्त थे, सब ऑर्डर किए हैं, बहुत खर्चा हुआ है। उसके बाद आता है आपके मतलब ट्रेनिंग के लिए यूजेस चीज़ें, मतलब यूज करने वाली चीज़ें, जैसे कि बनियन और कच्छा होता है, वो सब बहुत यूज होते हैं। मतलब सॉक्स भी, मतलब जब आप ट्रेनिंग करोगे ना, तब आपको सब कहेंगे कि हर दिन आपको कपड़े बदलते रहना है, वरना आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, ब्ला 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 ब्ला। तो सबसे अच्छा है कि आप ज़्यादा चीज़ें रखो अपने पास, कि आपको कभी परेशान ना होना पड़े, और आपको आपका ट्रेनिंग अच्छे से जाए, और आपको कोई दिक्कत ना हो, ना कि मेडिकल मेडिकल प्रॉब्लम कुछ भी ना हो। तो आपको हमेशा साफ़ सुथरा रहना पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ें अपने पास रखनी पड़ेंगी, ज़्यादा मतलब ड्रेस व्रेस, ड्रेस तो नहीं, सॉरी, ऊपर वाला वाइट गंजी एंड पर्सनल वेयर चीज़ें आपको ज़्यादा रखनी चाहिए। उसके बाद आता है हाँ, आपका शू में जैसे कि हम, मेरा भी ट्रेनिंग चल रहा है, वहाँ पर हमें 3 4 शू की अलग अलग की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको खर्चा होगा, क्योंकि आपको मिलेगा उस तरफ से, किट से मिलेगा, बट उसमें आप सेटिस्फेक्शन नहीं होगे, उतना आपको होगा नहीं, उससे और ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि आपका हर दिन आपको मतलब एक जो डेली यूज करते हो, आप उसको कभी टेस्ट में नहीं पहन सकते, और टेस्ट तो हमारा ऐसे मंथली मंथली होता है, तो आप उसको हर दिन यूज नहीं कर सकते, ठीक है? तो भी जो भी चीज़ रखनी है आपको, दो दो पैर, एक एक पैर एक्स्ट्रा रखनी है, तो उसमें ज़्यादा खर्चा हो जाता है। फिर आपका हर दिन का डाइटिंग का प्लान, डाइट तो आप करते हो वहाँ पर, खाते हो, बट उसके बाद भी आपको कैंटीन से बहुत कुछ लाना पड़ता है और खाना पड़ता है, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो, 4 मिनट हो चुका है। आई होप कि आपको थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। तो मेरा नाम जान चुके हैं, मैं कहाँ से हूँ, बिलोंग करता हूँ, जान चुके हैं। और एक बार, मेरा मार्क था 79, ठीक है? 79 मेरे मार्क आए थे। तो बस इतना ही। तो अभी मैं सैलरी वाला वीडियो बना देता हूँ, उसको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है? आप देखते रहिए। ये रहा मेरा सैलरी स्लिप, आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं, जो कि है 11/21 का है, मतलब आखिरी मंथ का है मेरे सैलरी स्लिप। तो नाम भी देख सकते हैं, मोहम्मद साजिद, डेजिनेशन देख सकते हैं, जो कि है कांस्टेबल। उसके बाद हम सैलरी पे आते हैं, ठीक है? तो गाइस, हमारा बेसिक पे रहा, ये देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड, बेसिक पे है हमारा 21,700,
फिर उसके बाद आता है हमारा डी ए जो कि है 6,727। फिर आता है हमें टीपीटी जो है कि है 1,800 रुपये। फिर हमें डी ए ऑन टीपीटी मतलब जो कि हमें डी ए से एक टीपीटी मिलता है वो है 558 रुपये। और उसके पास उसके बाद उसके बाद उसके बाद और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही। ठीक है, तो देख लिया आपने, ये रहा इतना जो लेफ्ट साइड में 21,700, 6,727, 1,800, 558। उसके बाद डिडक्शन, डिडक्शन में आते हैं, ये कौन से फंड है यार मुझे भी नहीं पता, तो आप देख लीजिए बस कितना कटता है। सी जी ई एस आई क्या है, फिर टायर वन, हाँ ये जो टायर वन का है ना गाइस, ये जो 2,843 रुपये ये हमारा एन पी एस का कटता है। ठीक है, तो एन पी एस का कटता है। फिर और कुछ 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 तो नहीं है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये आर एस फंड करके कुछ है, 510 रुपये कटता है इसमें, सॉरी आर एस फंड करके कुछ जो है ये 510 रुपये कटता है। उसके बाद है ये एन जी वो मैस 4,323 रुपये, ये हमारा मैस चार्ज है, जितना भी हमारा मैस का होता है वो यहाँ से कट जाता है और हमें आता भी है, इसके यहाँ पर लिखा नहीं है बट यहाँ पर एक और एक भी सैलरी हमारा आता है जो कि है 3,636 रुपये जो कि हमारे मैस का आता है, वो इसमें तो आई थिंक शो नहीं कर रहा है कहीं पर। ठीक है, 3,636 रुपये, इतने बावजूद भी एक 3,636 रुपये आते हैं जिसके वजह से ये जो एन जी ओ मैस फंड में इसमें कटता है 4,323 रुपये कट जाता है। ठीक है, जो एन जी ओ हम जो खाते हैं ना उसका है, और इसमें तो कहीं कुछ डिडक्शन नहीं है। अब दूसरे पेज में जाते हैं, ये रहा दूसरा पेज। तो फिर यहाँ पर और एक हमें मिलता है कॉम्पनसेशन, मुआवजा घर जो कि हमारा बैरक में रहते हैं तो हमें वो मिलता है। और फिर यहाँ पर है सी ए आर, इसका तो पता नहीं है गाइस क्या है, 3,519 रुपये। ठीक है, रिस्क इसकी नहीं, तो अब सबको छोड़िए, अब टोटल देखते हैं। टोटल हमारा सैलरी बनता है 36,149 रुपये बनते हैं। ठीक है, फिर हमारा गवर्नमेंट डिडक्शन होता है 2,853 रुपये। फिर एन जी एफ डिडक्शन होता है 4,833 रुपये। तो टोटल हमारा डिडक्शन होता है जो ये 36,149 रुपये हैं उसमें से डिडक्शन होता है 7,686 रुपये माइनस हो जाते हैं। उसके बाद हमारा बचता है नेट पेमेंट 28,463 रुपये। बट इतना भी नहीं बचता है गाइस, बहुत खर्चा हो जाता है यार, ट्रेनिंग में शू ऑर्डर करो, ये ऑर्डर करो, वो ऑर्डर करो, सॉक्स ऑर्डर करो, बहुत सारे ऑर्डर में बहुत पैसे चले जाते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे पैसे जाते हैं, जैसे कि हमारा ठंडी के लिए पहनने में, वो मैं फ्रंट वाले पे वीडियो बनाता हूँ, ये रहा देख सकते हैं आप, फाइनल में है 28,463 रुपये। ठीक है, ये रहा इसका वीडियो। तो गाइस मैंने सैलरी स्लिप का वीडियो बना दिया, आपने देख चुका होगा। तो मैं थोड़ा कुछ आखिरी में एक मिनट लेना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर इतना आप मेरे सपोर्ट करते हैं। मेरे थे आई थिंक 200 कितने सब्सक्राइबर थे, अभी वो 600 में पहुँचे हैं, इंशाल्लाह आगे जाके भी बढ़ेंगे। और इतना आप सपोर्ट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जो कि ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी होगा मैं आपको बताता जाऊंगा कि आप नेक्स्ट टाइम जो 2021 वाला जो बैच आएगा ना, जैसे कि हमने थोड़ा प्रॉब्लम फेस किया है, क्या नहीं लिया, क्या लेना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, हमें इतना नॉलेज भी नहीं था और हमने इतना नॉलेज गेन भी नहीं किया था कहीं से भी, यूट्यूब में ना था ना कहीं पर भी, कुछ भी नहीं था कि हम क्या करें क्या नहीं, क्या लेके जाएँ क्या ना लेके जाएँ था, लेकिन वो सफिशेंट नहीं था हमारे ट्रेनिंग में जाने के लिए। मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे थे यूट्यूब से कि हाँ ये ले जाने से हो गया, वो ले जाने से हो गया, बट वो सफिशेंट नहीं है। मैं तो उसके बाद में जब आपका फिजिकल मेडिकल होगा उसके पहले भी मैं वीडियो डाल दूंगा, फिजिकल कैसे होता है, मेडिकल में क्या होता है, और जब आप ट्रेनिंग से पहले जाएंगे उसमें क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना, मैं उसके बारे में भी डिटेल्स डाल दूंगा कि आपको वहाँ पर जाने के बाद कोई भी दिक्कत ना हो टोटल। ठीक है, तो आपने इतना साथ दिया, इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ऐसे ही सपोर्ट करिए, मैं भी आपको हेल्प करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरे कुछ बोलना था यार, भूल गया, पता नहीं। ठीक है, हैव ए गुड डे, इन्जॉय।
हाँ गाइस, मुझे याद आ गया। तो मैं जो बोलना चाहता था कि हमारा 28,000 समथिंग सैलरी होता है, बट सैलरी उतना नहीं रहता टोटल। हमें बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करनी पड़ती हैं, शूज़, सॉक्स, वॉक्स वॉक्स, ये। उसके बावजूद भी ये देखिए, हमें जर्सी मिली है, हमें किट में एक मिली थी, बट हमें और दो दो चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है, तो इसका खर्चा आ जाता है। फिर अंदर एक इनर मिलता है जो कि आपकी बॉडी को गर्म रखता है, ज़्यादा ठंडी से बचाता है, उसका अलग, उसके भी चार्ज लग जाते हैं। उसके बाद है आपका कैंटीन का ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश, बादाम एंड घी, और बहुत सारे जो डाइट मतलब ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसके चार्जेस, उसके पैसे भी लग जाते हैं। आप कैंटीन जाते हैं तो खर्चा होता है। उसके बाद आपकी निक्कर आती हैं, जो आपको सरकार की तरफ से आई थिंक दो मिलती हैं, उसके तो चार्जेस लगते ही हैं। उसके बाद भी हमें ख़रीदना पड़ता है, तो उसके भी चार्जेस लग जाते हैं, पैसे लगते हैं। उसके बाद सारी चीज़ में बहुत पैसा खर्चा आता है यार, मतलब करीबन 28,000 बोलने से आसपास 22-23 बचता होगा उतना, और उससे ज़्यादा नहीं बचता, क्योंकि आपको सफिशेंट खर्चा करना भी पड़ता है, वरना आप इतना एडजस्ट करोगे तो नहीं होगा, तो ट्रेनिंग अच्छे से नहीं जा पाएगी। तो कभी भी ट्रेनिंग में एडजस्ट मत करना दोस्तों, जो चाहिए, जितना ड्राई फ्रूट चाहिए, अच्छे से खाना और अपने हेल्थ को मेंटेन करना, तो ट्रेनिंग बहुत अच्छे से गुजरेगी, और माइंड फ्री रख के ट्रेनिंग करना, ठीक है। जितना चाहो ऑनलाइन ऑर्डर करो, सैलरी आएगा, ऑर्डर करोगे ही। ड्रेस व्रेस जैसे मैंने भी बहुत सारे ऑर्डर किए, मैंने एक बार में बहुत ऑर्डर कर दिया था, तो होगा तो मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा, वो इतना मैटर नहीं करता, वो तो पर्सनल हो जाता है। फिर भी देखते हैं, होगा तो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्होंने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, थोड़ा उनको भी कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद के क्या क्या स्टेप्स हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टाटा, बाय बाय।